जितना ही पॉपुलर है किया ब्रांड उतना ही उनका पॉपुलर है HTX वेरिएंट, चाहे सेल्टोस हो चाहे नई वाली सोनेट। इतनी डिमांड आ रही, इतने क्वेश्चंस आने के भाई किया सोनेट HTX के बारे में बताओ। तो हम लेकर आ गए आपके लिए द किया सोनेट HTX। किस प्राइस पर आ सकती है, कौन से इंजन ऑप्शंस है, कौन से कलर है, वारंटी, डिलीवरी, सेफ्टी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपका काम मेरा काम है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। वेलकम टू द कार गाइड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑल न्यू किया सोनेट HTX। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, हमें 3.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं इसी साल। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो कई लोग कई बार मिस कर देते हैं, द कलर ऑप्शंस। फिर हम बात करेंगे इसके इंजन की। कलर ऑप्शंस में अच्छी चीज़ ये है कि आपको प्यूटर ऑलिव भी मिलेगा, रेड भी मिलेगा, अरोरा ब्लैक पर्ल भी मिलेगा, ग्लेशियर व्हाइट पर्ल यानी कि मेटालिक व्हाइट मिलता है, जो लोअर वेरियंट्स के व्हाइट जैसा थोड़ा सा डल नहीं है, थोड़ा सा ग्लॉसी प्रीमियम होता है। साथ में मिल जाता है आपको स्पार्कलिंग सिल्वर, ग्रेविटी ग्रे और इंपीरियल ब्लू भी। मेरा मेजर फोकस इसके प्यूटर ऑलिव कलर पे है और ऑफ कोर्स इसका ग्लेशियर व्हाइट पर्ल तो कमाल का लगता है, क्योंकि यूजुअली जो व्हाइट कलर्स हम गाड़ियों में देखते हैं वो थोड़ा सा डल होता है, बट ये बहुत ही ग्लॉसी लुक देता है आपको, तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अब अगर आपका सवाल है कि ये कौन से इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो आपको जानकर खुशी होगी कि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आ जाता है टर्बो IMT यानी कि टर्बो पेट्रोल 1 लीटर का जो आता है, उसमें आपको 6 स्पीड IMT ट्रांसमिशन मिलेगी। ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो 7 स्पीड DCT भी अवेलेबल है इसी इंजन के साथ। दूसरी ऑप्शन आती है इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें तीन ऑप्शन है, पहली 6 स्पीड मैनुअल, दूसरी 6 स्पीड IMT और तीसरी 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। बुरी बात यह है कि सिर्फ टर्बो इंजन से नेचुरल एस्पिरेटेड है ही नहीं, तो थोड़ा सा प्राइस एक्स्ट्रा हो जाता है टर्बोज की वजह से। बट अच्छी चीज़ यह है कि इसमें 5 अलग अलग वेरिएंट है, हर तरह की नीड आपकी जो भी होगी उस तरीके के आपके लिए सोल्यूशन प्रोवाइड है किया कंपनी की तरफ से। चलिए बात कर लेते हैं इसके अब मेजर फीचर्स के बारे में। देखो, बेस वेरिएंट से ही HTX में जो है वो 15 सेफ्टी फीचर्स भी हैं, 8 इंच की टच स्क्रीन वगैरह सब कुछ आपको बेस से ही मिल रहा था, और टाइप सी पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ये सब आपको ऑप्शन मिलेगी। पहले हम बात कर लेते हैं HTXX में अलग से एक्सक्लूसिवली क्या मिलता है। तो पहले तो आपको किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल जो कि क्रोम सराउंड के साथ आती है, बहुत ही प्यारी लगती है, वो मिलेगी। इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको इस वेरिएंट से मिलने लग जाती है। LED हेडलैम्प्स आपको इस वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं। LED DLS तो मिलेंगे। लेदर रैप डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, लेदर रैप्ड आपको गेयर नॉब, लेदर रैप डी आपको डोर पे आर्मरेस्ट मिलेगी। सिल्वर फिनिशिंग मिलेगी AC वेंट्स के ऊपर। ब्लैक बेज का इंटीरियर भी मिलेगा, अगर ऑप्शन मिल, दो ऑप्शन होते हैं, ड्यूल टोन और सेमी लेदरेड सीट्स जो है वो मिल जाते हैं, कि इंटीरियर का थीम कैसा और सीट्स का कैसा है। तो वो टर्बो वेरिएंट्स जो मैनुअल ट्रांसमिशन है उनके साथ अलग है, और जो IMT ट्रांसमिशन के साथ जो टॉर्क कन्वर्टर्स या DCT है उनके साथ इंटीरियर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ब्लैक एंड ब्राउन लेदरेड सीट्स का है। तो हर इंटीरियर के साथ ना डिफरेंट हो जाती है, जैसे ब्लैक इंटीरियर विद प्रीमियर ब्राउन इंसर्ट्स, तो ये टर्बो 7 DCT टॉर्क कन्वर्टर और डीजल IMT के साथ है। तो एक लिस्ट लगा देता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप का जो फंक्शन है वो आपको सारे इंजन ऑप्शन चाहे मैनुअल चाहे ऑटोमेटिक सब में ऑफर किया जाता है। 60:40 में आपको आगे ये शो कर इस वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाती है, जो कि फोल्ड होती हैं। रियर पैसेंजर में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेगा, रियर सेंटर आर्मरेस्ट मिलेगी विद कप होल्डर, और लगेज पे आपको लैंप भी ऑप्शन मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट से मिल जाता है। और अगर आप इसका लेते हो 1 लीटर टर्बो DCT या डीजल लेते हो IMT या टॉक कन्वर्टर, तो आपको फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स भी HTX वेरिएंट से ही मिलने लग जाती हैं। रियर डिस्क ब्रेक भी आपको HTX वेरिएंट से मिलती है। पार्शल शेल्फ जो है रियर वाली वो भी आपको मिलेगी। कुछ वेरिएंट्स में आपको मिल जाती है एक सीट मैप पॉकेट भी, चलो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रैक्शन मोड, मल्टी ड्राइव मोड्स और पैडल शिफ्टर्स आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में ऑफर किए गए हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। तो ये है HTX की खास बातें, ये स्पेसिफिक इसकी। इसके अलावा जो आपको जैसे स्क्रीन है वो आपको 8 इंचेस के मिलेगी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस आपको मिलेगा HTX वेरिएंट में। 6 स्पीकर सिस्टम मिलेगा, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर भी के साथ साथ, ऑफकोर्स ड्राइवर का सॉरी ऑफकोर्स रियर व्यू कैमरा जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाती है। फॉलो व्यू हेडलैम्प्स है, ऑल 4 पावर विंडोज है, ऑटोमेटिक लाइट के साथ साथ आपको फ्रंट में पार्किंग सेंसर जो है वो मिल जाते हैं। फुली ऑटोमेटिक AC के साथ साथ आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और कीलेस एंट्री जो है वो भी लोअर वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाती है। और ORVMs के ऊपर टर्न इंडिकेटर है, फोल्डेबल एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकल ORVMs है, सेफ्टी फीचर्स मैंने सारे बता दिए, अलॉय व्हील्स भी आपको बता दिए, 4.2 इंचेस की MID के साथ सेमी डिजिटल क्लस्टर भी आपको HTX वेरिएंट में मिल रहा है, रियर AC वेंट्स और तीन टाइप सी USB-C पोर्ट्स के साथ 12 वोल्ट का सॉकेट भी, बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। बट दिस इज दी HTX वेरिएंट फॉर यू। इसकी खास बात, LED हेडलैम्प और LED टेल लैम्प सेटअप, क्रूज कंट्रोल,
ठीक है, सनरूफ आपको इस वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाती है, लेदरेट मटेरियल आपको अंदर देखने को मिल जाएगा, वो बहुत अच्छा लगता है, और कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और पेडल शिफ्टर ट्रैक्शन कंट्रोल ड्राइव मोड्स, डिपेंडिंग अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो वो भी आपको HTX से मिलना शुरू हो जाता है। अब सबसे सस्ता वेरिएंट अगर देखें तो वो पेट्रोल IMT होने वाला है, तो HTX टर्बो IMT पेट्रोल अगर 6 स्पीड वाला देखते हैं तो पहले उसकी प्राइस थी 1145, अब अगर हम उसकी प्राइस को कंसिडर करें तो आप आराम से फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए 20,000 से 25,000 की इंक्रीमेंट लेकर चल सकते हो, तो 11.70 लाख इज वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसका हो सकता है, 11.65-11.75 के आसपास ये हो गया ये वाला वेरिएंट। इसी में अगर आप देखते हो 7 स्पीड DCT, ठीक है, तो पहले जो उसका प्राइस आता था वो था 1199। तो अब ध्यान से देखना कि HTX टर्बो जो है IMT और DCT में सिर्फ 55,000 रुपीज़ का फर्क था, तो ये बहुत चीज़ अच्छी लगती है कि थोड़ा सा और देखे प्रॉपर ऑटोमेटिक ले सकते हो। बट एनीवेज प्राइस की बात करें तो पहले था 12 लाख, अब हो सकता है 12,20,000 फॉर दी HTX टर्बो 7 स्पीड DCT। अब बात करते हैं इसके डीजल की, क्योंकि 3 ऑप्शन है। अब मैनुअल वाला तो हमें थोड़ा सा और कंसिडर करना पड़ेगा, पहले हम बात कर लेते हैं IMT 1225 का IMT 12 लाख का मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको ये मिल जाएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, क्योंकि 12-25 का तो पहले था IMT, 20,000 और ऐड करो या 15,000 और ऐड करो तो 1245, और IMT और मैनुअल ट्रांसमिशन में भी 20-25,000 से लेकर 40,000 का डिफरेंस है सोनेट में जिसे हमने देखा अभी तक। तो उस हिसाब से मुझे कहने के लगता है कि 12 लाख का 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल, 12-40 का 6 स्पीड IMT, 40-45 के आसपास का लेके चल सकते हो, और अगर डीजल ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको 13-25 के आसपास उसका प्राइस हो सकता है, बिकॉज अभी जो प्राइस है 13.05 है, तो 13.25 लाख का एक शोरूम प्राइस हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट का। अब जरूरी तो नहीं आपने HTX वेरिएंट लेना, आपकी और वेरिएंट भी हो सकता है, देख रहे हो उनकी प्राइसिंग क्या है उसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने अलग से बनाई है, HTE, HTK, K+, X, X+, GTX+ और X-Line भी, तो पूरा डिटेल देखना तो वेरिएंट एक्सप्लेन की वीडियो है, एक एक वीडियो देखनी है तो वो भी देख सकते हो, सब आपके लिए अवेलेबल है। देखो हम आपकी जैसे नेता लोग तो कहते हैं ना कि हाँ हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं, वैसे हम भी हैं, जिस तरह की आपको वीडियो चाहिए कोशिश करते हैं बना दे, तो कमेंट करके आप अपनी तरफ से डिमांड भी रख सकते हो, ऑन डिमांड जो वीडियो टॉपिक्स हैं वो भी हम आपके लिए बनाते रहते हैं, तो आप कमेंट करो, जिस कमेंट को ज़्यादा लाइक्स आएंगे हम उसके उसी सेम पे वीडियो बना देंगे अगर हो सका तो। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग द किया सोनेट HTX, डिलीवरीज, प्राइस रिव्यू, कंपेरिजन, ये वो सब कुछ जो है वो आएगा कब, जनवरी में, तो बने रहे हमारे साथ, बिकॉज सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, बिकॉज आपको बहुत सारे कंटेंट जो है वो मिस आउट कर रहे हो अभी अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो। हमारे फॉलोअर्स से ही पूछ लो, हमारे सब्सक्राइबर से ही पूछ लो कि उनको कैसी लग रही है हमारी वीडियो। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द किया सोनेट, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय, ठंड हो गई है, घर में रहो, बाय बाय।